बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे जनसंख्या वृद्धि पर और हमने चर्चा की कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब जुलाई 2023 के जो आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं कि हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं जनसंख्या वृद्धि के मामले में या जनसंख्या के मामले में। तो आप कल्पना कीजिए कि हम अपने जनसंख्या की रफ्तार को कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम अब आगे समझते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन होता है वो कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इसमें सबसे पहला है जन्म दर, बर्थ रेट, दूसरा मृत्यु दर, डेथ रेट, और तीसरा है प्रवास, या हम इसी को माइग्रेशन कहते हैं। तो आइए हम इन तीनों पर एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म दर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जन्म दर है क्या। जब हम किसी भी स्थान, देश या राज्य की जन्म दर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस स्थान में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं या बच्चों की संख्या, ये उस स्थान का जन्म दर कहलाता है। मतलब कि अगर किसी स्थान पर 1000 व्यक्तियों में मान लो 20 बच्चों ने जन्म लिया एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के अंदर, तो वहाँ का जन्म दर क्या होगा? प्रति हजार व्यक्तियों पर 20 शिशु। और जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक रहा है, जो कि भारत की जनसंख्या को बढ़ाने वाला या प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। अब हम देखते हैं मृत्यु दर या डेथ रेट। तो जिस प्रकार हम जन्म दर को ज्ञात करते हैं एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, ठीक उसी प्रकार मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए हम एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर मृत शिशुओं या बच्चों की संख्या से ज्ञात करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम। जैसे किसी स्थान में 1000 व्यक्ति में एक वर्ष में 50 शिशु जो हैं वो मृत पाए गए, तो वहाँ की शिशु मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 1000 में 50 मृत्यु दर जो है वो कही जाएगी। और जैसे जन्म दर हमेशा से भारत में मृत्यु दर से अधिक रहा है, इस कारण से जन्म दर भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं मृत्यु दर में तेजी से जो कमी आई है, तेजी से जो गिरावट हुई है, ये भी भारत की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक कारक है। आज़ादी से पहले या प्रारंभिक समय में हम बात करें तो एक रूढ़िवादिता, महिलाओं की कम उम्र में शादी होना और इसके साथ ही साथ चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार नहीं होना, बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास ना हो पाना जो था, वो मृत्यु दर में अधिकता का एक प्रमुख कारण था। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के बाद हम विकास की ओर आगे बढ़ते गए और हमने अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार कर लिया, हम बहुत सारी ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जिनका भी उपचार हमने ढूंढ लिया है। तो ठीक उसी प्रकार अब हम ये देखते हैं महिलाओं की भी शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया है, बाल विवाह में रोक लगी है और पोषण पर भी ध्यान दिया गया है, महिलाओं के साथ साथ शिशुओं के पोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके कारण अब भारत में भी मृत्यु दर में तेजी से गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और मृत्यु दर में गिरावट मतलब कि जन्म दर में अधिकता, और यही एक प्रमुख कारण है कि यहाँ की जो भारत की जनसंख्या है वो उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। अब तीसरा प्रमुख कारण है प्रवास या माइग्रेशन। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि के भी दो प्रकार हैं, पहला प्राकृतिक वृद्धि और दूसरा है वास्तविक वृद्धि। मतलब किसी भी स्थान में
जनसंख्या में जब हम कह रहे हैं प्राकृतिक वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से, तो वो नेचुरल तरीके से कैसे होगी? जब जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या या जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक होगी, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि। और इसे ज्ञात करने का फार्मूला है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, या जन्म दर में हम मृत्यु दर को घटा देते हैं तो जो हमारे पास आंकड़े निकल कर आते हैं वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को बताते हैं। इसके बाद तीसरा प्रमुख फैक्टर था हमारा प्रवास या माइग्रेशन। तो प्रवास है क्या? सबसे पहले तो ये बात, प्रवास जो है वो किसी भी स्थान में व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना प्रवास या माइग्रेशन कहलाता है। अब इससे संबंधित ये बात है कि प्रवास तो हो रहा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर तो जा रहे हैं। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझते हैं हम। जैसे सुबह सुबह आपके घर के आसपास कोई सब्जी वाला आवाज दे रहा है, सब्जी ले लो, है ना, तो वो शहर से नहीं, वो हो सकता है कि आसपास किसी गांव से आता है, है ना। आपके पाठशाला में कोई जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जिस शहर में आपकी पाठशाला है वो शिक्षक जो है वो वहीं के निवासी हों, हो सकता है वो आसपास के किसी दूसरे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से आते होंगे। सुबह सुबह जो दूध वाला आता है वो भी आपके किसी गांव के ही आसपास के दूसरे गांव, कि यदि आप शहर में रहते हैं तो आपके शहर से दूसरे आसपास किसी शहर से वो डेली आना जाना करता है, अपना दूध गांव से लेकर आता है और शहर में लाकर उसे खपाता है और दोपहर शाम होते होते वो फिर से अपने घर वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक पढ़ाने के लिए रोज स्कूल के समय में दूसरे शहर में शाला में उपस्थित हो जा रहे हैं और छुट्टी के बाद फिर वो अपने गंतव्य जहाँ पर उनका निवास स्थान है वहाँ वो वापस चले जाते हैं। और ऐसे ही एक सब्जी वाला भी जो सुबह रोज भाजी या अलग अलग तरह की सब्जियाँ लेकर आता है उसे शहर में या दूसरे गाँव की मंडी में खपाता है और दोपहर शाम होते होते वो फिर से अपने गंतव्य अपने निवास मूल निवास के पास चला जाता है। तो प्रवास बताने का मतलब ये है कि प्रवास के प्रकार होते हैं दो प्रकार। पहला तो हम बोले इसको आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो जब देश के अंदर ही प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर तो हम उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं, और जब देश के बाहर दूसरे देश अन्य देश की तरफ लोग आना जाना करते हैं, आते हैं या जाते हैं, तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब आंतरिक प्रवास के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि समय के अनुसार होता है। अभी हमने बात की ना दूध वाले की या सब्जी वाले की या एक शिक्षक की, है ना, तो सुबह शाम में भी दैनिक प्रवास, जो सुबह आ रहे हैं शाम तक वापस चले जा रहे हैं उसे हम दैनिक प्रवास कहते हैं। ऐसे ही साप्ताहिक, एक शिक्षक सोमवार की सुबह अपनी शाला में उपस्थित होने के लिए शहर में पहुंच रहा है और वीकेंड में शनिवार रविवार वो फिर अपने मूल निवास स्थान की तरफ चला जाता है, तो इस प्रकार से साप्ताहिक प्रवास भी हो सकता है। और जब मासिक प्रवास कहेंगे, एक महीने में लोग अपने कार्यस्थल या जहाँ पर हो सकता है वो कहीं दूसरे शहर की तरफ पढ़ाई के लिए गए हों, तो वहाँ से यदि वो एक महीने में अपने मूल निवास की तरफ जाते हैं तो हम इसे मासिक प्रवास। तो ये समय के आधार पर हो गया, मासिक है, वार्षिक हो सकता है, ये समय के आधार पर प्रवास हो गया। और जब हम इसे ही स्थान के आधार पर देखेंगे तो गांव से गांव की तरफ प्रवास हो सकता है, गांव से शहर की तरफ, शहर से शहर की तरफ, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ, या एक शहर से दूसरे राज्य की तरफ, दूसरे राज्य के शहर की तरफ भी प्रवास हो सकता है। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम प्रायः अपने भारत देश में देखेंगे कि जब लड़कियों की शादी होती है तो विवाह के बाद वो अपने पति के घर चली जाती हैं, तो हो सकता है ये प्रवास जो है वो एक गांव से दूसरे गांव, या अधिकतर जो है एक ग्रामीण परिवेश में जब ऐसा होता है तो आसपास के गांव की तरफ ये प्रवास होता है। फिर कार्य के चलते, कार्य भी एक प्रमुख कारण हो सकता है।
मतलब लोग नौकरी के पर्पस से जाते हैं, उनका ऑफिस या कार्यालय जो है वो दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे पास स्थित किसी कस्बे में हो सकता है, तो उसके लिए वो प्रवास करते हैं। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं जिसके आधार पर प्रवास के अलग अलग प्रकार हैं। और ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे कि भारत में जो अधिकतर चलन में है, जैसे आपके छत्तीसगढ़ से 6 महीने यहाँ पर धान की बुआई की जाती है, धान की एक फसल ली जाती है, खरीफ फसल। फिर शेष जो 6 महीने बचते हैं उसमें लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो अधिकतर हम देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश से जो लोग हैं वो रबी की फसल के दौरान जब वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं होता है, तो वो अधिकतर दिल्ली हो गया, यूपी है, बिहार है, हैदराबाद है, इन शहरों की तरफ कार्य की तलाश में प्रवास करते हैं। तो जब आंतरिक प्रवास होता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक प्रवास से जो है भारत की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब देश के अंदर ही जनसंख्या का जो वितरण है और संगठन है वो प्रभावित होता है। मतलब माना छत्तीसगढ़ से प्रवास किया जा रहा है दिल्ली या हैदराबाद की तरफ या बिहार की तरफ, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में पर्टिकुलर उस समय के दौरान कमी दर्ज की जाएगी, और उस समय के दौरान जिस स्थान की ओर उत्प्रवास किया जा रहा है या जिस स्थान में आप्रवास हो रहा है वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो ये देश के अंदर ही, इसमें जनसंख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती देश की जनसंख्या में आंतरिक प्रवास के कारण। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब किसी दूसरे देश से हमारे देश की तरफ जब लोग प्रवास करते हैं, आते हैं, या फिर हमारे देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं, तो इस प्रवास के कारण हम देखेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है। वो जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि भी हो सकती है और जनसंख्या में कमी की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अधिकतर हम अपने भारत में देखेंगे तो यहाँ पर हमें जनसंख्या का आंतरिक प्रवास ही अधिक देखने को मिलता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को यदि हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे जो आप्रवासी हैं ये भारत की भारत के क्षेत्र में आ गए या भारत में आकर निवास करने लगे, या नेपाल या भूटान से बहुत सारे जो निवासी हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे भारत में आ गए, तो क्या होगा? उस देश की जनसंख्या में तो कमी आएगी लेकिन हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। इसी में जब आने और जाने की बात हो रही है तो मैं आपको एक छोटा टर्म्स और बताती हूँ। एक होता है उत्प्रवास, एमिग्रेंट्स, और दूसरा होता है आप्रवास या इमिग्रेंट्स। उत्प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना उत्प्रवास कहलाता है। मतलब कि जैसे बांग्लादेश से यदि कोई भारत की तरफ आ गया तो वो बांग्लादेश के लिए क्या कहलाएंगे? उत्प्रवासी या एमिग्रेंट्स। और जब भारत में वो लोग जो आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं, वो बांग्लादेश के लिए तो उत्प्रवासी हो गए या एमिग्रेंट्स हो गए, लेकिन हमारे भारत के लिए वो इमिग्रेंट्स होंगे या आप्रवासी जो भारत में आकर रह रहे हैं। तो जहाँ पर भी जिस स्थान से उत्प्रवासी जाते हैं या दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं वहाँ जनसंख्या में कमी होगी, लेकिन जहाँ पर आप्रवासी आ रहे हैं अधिक संख्या में, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। बच्चों, अब इसी में जनसंख्या वृद्धि की जो हमने प्राकृतिक वृद्धि देखी थी, जिसे हम जन्म दर में मृत्यु दर को माइनस करके निकालते थे, अब जब हम वास्तविक वृद्धि की बात करेंगे या चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे जब जन्म दर में मृत्यु दर को घटा देते हैं और प्रवास को जोड़ देते हैं तो ये जो वृद्धि है जनसंख्या की वो वास्तविक वृद्धि कहलाती है। आपको ध्यान में रखना होगा, ये छोटे प्रश्न के रूप में आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्राकृतिक वृद्धि होगी, नेचुरल ग्रोथ होगी, और जब हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और प्लस माइग्रेशन कर देते हैं तो ये एक्चुअल ग्रोथ होगी या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होगी।
अब हम ये देखते हैं कि प्रवास कि जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में जो अधिकतर प्रवास होता है, हमने कहा ना कि गांव से शहर की तरफ होता है, या आंतरिक प्रवास जो है वो अधिक होता है। अब इसको भी जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले, तो इसे दो फैक्टर हैं, एक तो पुल फैक्टर और दूसरा है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, इसे हम पुल फैक्टर कहते हैं। लेकिन दूसरा, जो दूसरे स्थान की तरफ जाने के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं, उसे हम पुश फैक्टर कहते हैं। मतलब दूसरे स्थान की तरफ जाने को धक्का दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, वो पुश फैक्टर कहलाएंगे। तो जरा आप सोचिए कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो पुल फैक्टर होंगे या पुश फैक्टर होंगे। कोई भी स्थान का जो निवासी है, उसे अपने निवास स्थान से, उसे अपने जन्म स्थान से बहुत लगाव होता है। ऐसे ही तो वो अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहेगा। इसके पीछे कुछ कारक होंगे, तो कुछ फैक्टर्स पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रोजगार है, जब हम पुल फैक्टर की बात कर रहे हैं, रोजगार है। हमें मालूम है कि हमारे गांव में या शहर में रोजगार हमें उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साल भर हम काम की तलाश करते रहते हैं और हमें रोजगार नहीं मिल पाता, काम की कमी है। तो हम दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं और वहां पर जाके हम कोई मिस्त्री का काम हो गया, बढ़ई का काम हो गया, कोई कुक का काम हो गया, या अगर हमारी योग्यता अधिक है तो हम किसी ऑफिस में कंप्यूटर का कोई काम हो गया, या कोई भी अदर वर्क हमें मिल जाता है या हमें मालूम है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने स्थान, मूल निवास स्थान को छोड़कर हम दूसरे उस शहर की तरफ, गांव की तरफ या महानगर की तरफ प्रवास करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो रोजगार है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अन्य प्रमुख कारक हम देखें, एक बेहतर जीवन स्तर या मूलभूत सुविधाएं। अगर हमें मालूम है कि हमारे गांव की जो सड़क है वो अच्छी नहीं है, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, अच्छा एजुकेशन दिलाना है, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हमें उन्हें दिलानी है, और वो हमारे गांव में या अपने छोटे से शहर या कस्बे में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक मुख्य शहर या शहर की तरफ या महानगर की तरफ हम प्रवास करते हैं। हमें लगता है कि हम उस शहर में जाएंगे तो हमें एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे चॉइसेस मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, यदि हम बीमार पड़ जा रहे हैं या हमें कोई बीमारी हो जा रही है तो हमें बेहतर इलाज जो है उस शहर में मिल सकता है। या आप ये देखते भी होंगे कि कई गंभीर बीमारियां जो हैं वो हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में या आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं उसके इलाज के लिए आप दूसरे शहर की तरफ, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, उन शहरों की तरफ आप प्रवास करते हैं या जाते हैं अपने बेहतर इलाज के लिए। तो ठीक इसी प्रकार जब हमें अपना पूरा जीवन यापन किसी शहर में, किस स्थान में करना है, तो इन मूलभूत चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि किस स्थान पर हमें रोजगार मिल पाएगा, एजुकेशन के लिए शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी कि नहीं, या स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो बेहतर मिल पाएंगी कि नहीं। आपको रोज़ अपनी शाला में आना जाना है, आपको दूसरे गांव की तरफ या दूसरे शहर की तरफ आना जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप देखेंगे कि एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहाँ से दूसरे स्थान की तरफ अच्छी कनेक्टिविटी, चाहे हम रोड की बात करें या ट्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये अच्छी सुविधाएँ वहाँ पर मिल पा रही हैं या नहीं। जिस स्थान पे ये सारी सुविधाएं मिलती हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं निवास के लिए, जिसे हम पुल फैक्टर कहते हैं। और जो पुल फैक्टर्स हैं वही लगभग पुश फैक्टर्स भी होते हैं, या हम कहें कि इसके जस्ट अपोजिट। जैसे रोजगार है जो अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, या हम इसी को रोजगार की कमी कह सकते हैं, जिस स्थान पर हमें रोजगार या काम नहीं मिल पाता, तो ये पुश फैक्टर हो जाएगा। उस गांव से दूसरी गांव या शहर की तरफ जाने के लिए लोगों को ये धक्का देता है या पुश करता है, ये जो फैक्टर है। और जो इसके अपोजिट हमने कहा पुल फैक्टर, जहां पर रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, वो उसके लिए पुल फैक्टर हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार हम देखें मूलभूत सुविधाओं की कमी, गरीबी, जब रोजगार नहीं है तो लोगों में क्या होगी, गरीबी आएगी, आय के सोर्स नहीं रहेंगे, बेहतर विकल्प उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं जिनकी कमी किसी स्थान पे देखने को मिलती है, तो ये सारे एक पुश फैक्टर या पुश फैक्टर के रूप में जो है वो काम करते हैं। अब हम देखें कि जब हम गांव और शहर की बात कर ही रहे हैं प्रवास के दौरान, इसी में एक चीज़ हम देखें, हमारा भारत जो है वो एक गांवों का देश है और हम प्रारंभ से ही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या है उनकी अधिकता है और नगरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। हालांकि यदि हम आज़ादी के बाद से जनगणनाओं पर एक नज़र डालें तो देखेंगे कि क्रमशः इनमें वृद्धि हो रही है। और वृद्धि क्यों हो रही है, हम भाई लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम नगरीकरण कर रहे हैं, हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार जो है वो लोगों को गांव से शहरों की तरफ खींच रहा है। तो ये जो सारे कारण हैं जो अब नगरी जनसंख्या में वृद्धि के एक प्रमुख फैक्टर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखें कि 1951 में जहाँ पर जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 17.29% जो था वो अर्बन पॉपुलेशन का था या नगरी जनसंख्या का था, वही हम जो पिछली हमारी जनगणना थी 2011, तो 2011 में ये जो प्रतिशत है नगरी जनसंख्या का वो 17.29 से बढ़कर 31.80% हो गया है। अभी मैंने कहा ना कि आज़ादी के बाद से हमें इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और हम देखेंगे कि 2001 से 2011 के दौरान, मतलब नगरीकरण में, अर्बनाइजेशन में इतनी वृद्धि हो रही है कि 2001 से 2011 के मध्य जो है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, जिसे हम मिलियन सिटी भी कहते हैं, ये मिलियन सिटी की जो संख्या है वो 35 से बढ़कर 53 हो गई है। तो ये एक उदाहरण हम कह सकते हैं या एक प्रूफ हम इसको कह सकते हैं कि लगातार नगरीकरण में या अर्बनाइजेशन में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, जो हमारे मिलियन सिटी बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो हमारी नगरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बच्चों, तो ये हमने जो बात की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, तो आंतरिक प्रवास में हमने देखा कि इससे जनसंख्या में, देश की जनसंख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है, देश के अंदर ही जनसंख्या का वितरण जो है वो प्रभावित होता है, किसी राज्य में कम हो जाएंगे, किसी राज्य में अधिक हो जाएंगे। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, जैसे कि बांग्लादेश की हमने बात की कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो आप्रवासी हैं यदि वो हमारे देश में आकर रहते हैं, या ऐसे ही और दूसरे देश के भी जो आप्रवासी हैं जब वो भारत में आकर निवास करेंगे, तो ये हमारे लिए एक मूलभूत समस्या, एक विकट समस्या कह सकते हैं, हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है। और वो क्यों, क्योंकि हमारी भूमि तो सीमित है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो सीमित है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, और इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो संसाधन है वो भी बहुत सीमित मात्रा में है। तो जब हम ना भूमि को बढ़ा सकते हैं ना संसाधन बढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए एक विकट समस्या हो जाती है कि जो आप्रवासी या अतिरिक्त जो निवासी हमारे देश में आकर रहेंगे उनको आवास तो उपलब्ध कराना ही होगा, आवास के साथ भोजन, ये जो दो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो उन्हें उपलब्ध करानी ही होंगी। लेकिन ये हमारे लिए अतिरिक्त बोझ हो जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो नेचुरली ऐसे ही जो है वो बहुत अधिक है, और हम देख रहे हैं कि अब पूरे विश्व में हम सबसे आगे निकल चुके हैं। तो और अतिरिक्त जनसंख्या जुड़ने से हमें अपने देश के नागरिकों के अलावा उन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराना जो है ये हमारे सामने एक बहुत विकट समस्या के रूप में उभर कर आता है, और उन्हें ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो हमने देखा कि प्रवास और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है वो हमारे लिए एक समस्या है, आंतरिक प्रवास से हमें बहुत जो है नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता, वो तो हमें हमारे देश के अंदर ही जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से एक फायदा हमें ये होता है कि जब दूसरे देश के लोग आते हैं तो अपने साथ वो अपनी योग्यता और तकनीक को भी लेकर आते हैं। हम वहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन और संस्कृति से परिचित होते हैं। लेकिन जब ये थोड़ी मात्रा में होता है तब तक सही है, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा जो हमारे देश के लिए या हमारी जनसंख्या में इतनी वृद्धि जो है वो एक बोझ बन जाए तब ये हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न करती है। बच्चों, अभी हमने जो जनसंख्या वृद्धि के विषय में पढ़ा तो आपको इसमें जो एक परीक्षा के उद्देश्य से जो टॉपिक्स तैयार करने हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमने छोटे छोटे टर्म्स यूज़ किए थे, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तो ये आपको छोटे प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पहली संपूर्ण जनगणना हमने पढ़ी थी ना 1881 में, ये कब हुई थी। इसके साथ ही साथ यदि आपसे इसमें बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसमें वृद्धि के कारण और इसमें परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको जन्म दर को भी अलग से तैयार करना है बहुत अच्छे से कि भारत में कितना है जन्म दर और कौन सा स्थान है विश्व में जन्म दर के हिसाब से इसमें, और कौन कौन से कारक हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं, और ठीक ऐसे ही मृत्यु दर और प्रवास के विषय में भी। बच्चों, अब हम बात करते हैं जनसंख्या की अलग अलग विशेषताओं के विषय में। तो ये जो विशेषताएं हैं जनसंख्या की, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं आयु संगठन या एज कंपोजिशन। इसके पहले भी हमने बात की थी ना एक पिक्चर के माध्यम से, जिसमें हमें बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे। कुछ लोग जो थे वो शिशु वर्ग के थे, कुछ जो थे वो युवा वर्ग के, और कुछ जो है वो बुज़ुर्ग नज़र आ रहे थे। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे थे कि कुछ ग्रामीण परिवेश के दिख रहे थे और कुछ शहरी परिवेश के। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, तो ये सब जो है वो जनसंख्या की अलग अलग विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एज कंपोजिशन या आयु संगठन पर। आयु संगठन जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या में अलग अलग उम्र के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है या बताती है, और उम्र के अनुसार या आयु के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम है यदि हम या हमारे देश की ही जनगणना में जनसंख्या को तीन प्रमुख आयु वर्ग में जो है वो विभाजित किया गया है। पहला बालक वर्ग, दूसरा है युवा वर्ग, और तीसरा है वृद्ध वर्ग। जो बालक वर्ग है उसमें 0 से 15 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उन्हें शामिल किया जाता है। जब हम युवा वर्ग की बात कर रहे हैं तो 15 से 60 आयु वर्ष के बीच के लोग आते हैं, या हम उसे 15 से 59 जो एज ग्रुप के लोग हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और जब हम वृद्ध आयु वर्ग के लोगों की बात करते हैं तो इसमें 60 और 60 से अधिक उम्र के लोग शामिल होते हैं। तो जब हम एज कंपोजिशन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो हमारे देश में अधिक है। जैसे कि अगर किसी देश में वृद्ध वर्ग है या बाल वर्ग के लोग अधिक हैं तो ये क्या चीज़ को दर्शा रहे हैं। वृद्ध भी जो होते हैं वो किसी परिवार के जो युवा सदस्य हैं, या देश की यदि हम बात कर रहे हैं तो देश का जो युवा वर्ग है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना, आश्रित जनसंख्या के रूप में हम लेते हैं, चाहे वो बालक वर्ग हो या वृद्ध वर्ग हो। और आश्रित किस पर हैं, वो युवा वर्ग पर। और किसी भी देश की जनसंख्या में जो युवा वर्ग है 15 से 59 आयु वर्ग के लोग, ये सर्वाधिक कार्यशील वर्ग होता है, जो कि उस देश की आर्थिक गतिविधियों में या कामकाजी जो जनसंख्या होती है उसमें शामिल होते हैं। और यही वर्ग जो है वो बाल वर्ग का या वृद्ध वर्ग का जो है वो पोषण भी करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमें ये पता करना कि हमारे
देश में किस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं। युवा वर्ग जितनी अधिक मात्रा में है, संख्या उनकी अधिक है, तो वो देश उतना ही विकास की ओर अग्रसर होगा। तकनीक के रूप में भी उसका विकास बहुत अधिक होगा, क्योंकि यही जो वर्ग है वो नई नई तकनीकियों को, एक तो अगर उस देश की जनसंख्या शिक्षित है और उच्च तकनीकी से युक्त है, तो नेचुरली है कि उस देश के विकास को कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि बाल आयु वर्ग, जिसमें हमने देखा 0 से 15 आयु वर्ग के लोग होते हैं, ये आयु वर्ग के जो लोग हैं, ये ठीक है, वर्तमान में तो युवा वर्ग पर जो है डिपेंड हैं, आश्रित हैं, उनका पोषण करना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य के ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। मतलब आज 0 से 15 वर्ष तक तो नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर इनकी भी संख्या जो है वो देश में अधिक है, तो भविष्य में 15 साल के बाद जो है हम देखेंगे कि बहुत सारी उत्पादक जनसंख्या जो है वो उस देश में उपलब्ध हो पाएगी। तो बहुत हद तक ये देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, हाँ, लेकिन वर्तमान समय जो होता है उसमें इनकी शिक्षा है या स्वास्थ्य है या इनकी आर्थिक उन्नति, ये सभी की जो व्यवस्था है वो दूसरे वर्ग के लोगों को करना पड़ता है। फिर युवा वर्ग की ही भागीदारी जो है वो इसमें बहुत अहम होती है। फिर हम देखें 15 से 59 आयु वर्ग, जिसे हमने कहा युवा वर्ग, ये अधिकतम उत्पादक क्षमता वाले लोग होते हैं, या ये जनसंख्या अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली होती है, जो कि चाहे वो खेत हों या कारखाने हों या कार्यालय हों, ये सभी में कार्यशील जनसंख्या जो है वो इसी आयु वर्ग की होती है। ये सर्वाधिक क्रियाशील तो होती ही है, या हम कहें कि रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में भी यही वर्ग जो है वो सर्वाधिक प्रवास करता है, या सर्वाधिक गतिशील वर्ग जो है वो हम कह सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इन ये जो दो वर्ग हैं 0 से 15 और 15 से 60, या बालक वर्ग और वृद्ध वर्ग, ये दोनों वर्ग भी इसी युवा वर्ग पर ही आश्रित होते हैं। तीसरा वर्ग जो वृद्ध वर्ग होता है, इसमें हमने देखा कि 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं या व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रत्यक्षतः तो उत्पादन क्रिया में या उत्पादक नहीं कह सकते हम, नेचुरली है कि ये युवा वर्ग पर आश्रित होते हैं, लेकिन हाँ भाई, यदि आपको कहा जाए कि आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, तो आपको यदि शासकीय तौर पर किसी नौकरी की वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति उम्र भर कार्यरत है, तो हो सकता है कि वो अपने शौक के तौर पर या अपने आप को क्रियाशील रखने के लिए वो अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ले, या अन्य किसी तरीके से अपने परिवार के ही किसी व्यवसाय में वो हाथ बटा दे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जनरली हम देखेंगे कि इसे एक क्रियाशील वर्ग में या उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हम इन्हें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी उत्पादक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम इसे जनसंख्या पिरामिड से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो अलग अलग आयु वर्ग के जनसंख्या की हमने बात की, तो बच्चों आपके सामने ये जनसंख्या पिरामिड नज़र आ रहा है। ये तो किसी भी देश की जनसंख्या के संगठन को वहाँ पर हम जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें जनसंख्या पिरामिड से वहाँ पुरुष और महिलाओं की स्थिति, और इसके साथ ही साथ अलग अलग आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, इसका बहुत अच्छी तरह से पता चल पाता है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं इस जनसंख्या पिरामिड का। भारत के आयु पिरामिड को हम देखते हैं, जो 2014 के अनुसार लिया गया है। इसमें देखें, हर 4 वर्ष के अंतराल पर, मतलब 4 वर्ष की आयु के अंतराल पर महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का जो अनुपात है वो वृद्धों की तुलना में अधिक है, और उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य सभी आयु वर्ग से अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले जो उम्र के लोग होंगे उनमें कोई कमी नहीं आएगी,
और साथ ही साथ जो वृद्ध जनसंख्या है तो वृद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। लेकिन अगर हम महिला और पुरुषों की बात करें तो महिला और पुरुष वाले स्तंभ की तुलना करने से पता चलता है कि आने वाली युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ से पता चल रहा है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। अब हम भारत की इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आयु पिरामिड से करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि यहाँ पर आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम की है और वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12% से भी कम है। ये एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, जहाँ अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। अगर इस आरेख की तुलना हम पश्चिमी यूरोप से करें तो एक चिंताजनक बात यहाँ और उभर रही है पश्चिमी यूरोप में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 35% लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बच्चों की दशा देखें तो बाल आयु वर्ग के लोगों का जो अनुपात है वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, लेकिन वहाँ इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम होती जाएगी और जो बची हुई जनसंख्या है वो धीरे धीरे वृद्धजन होते जाएंगे। तो पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। पहला कि यूरोप में जो आय और स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि यहाँ लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है, लोग अधिक उम्र तक जीते हैं। लेकिन अफ्रीका में गरीबी और कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, तो निम्न स्वास्थ्य सेवा और गरीबी के चलते लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत कम है और लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं और बाल मृत्यु दर भी वहाँ बहुत अधिक है। और दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते, आर्थिक विकास के चलते लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और जिससे जुड़ी हुई समस्या ये हो गई कि अब भविष्य में यहाँ पर युवा वर्ग बहुत कम बच जाएगा। और इसी समस्या को देखते हुए कई यूरोपीय देश जो हैं वो बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राजकीय मदद जो है वो दे रहे हैं।